आज अखिल भारतीय विद्यार्थी इंदु महानगर द्वारा कुलपति महोदय को शैक्षणिक शुल्क और परीक्षा शुल्क में राहत के लिए ज्ञापन दिया गया है। अभी मैडम से ऐसा आश्वासन भी मिला है कि जिन विद्यार्थियों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है अगर परीक्षा शुल्क जमा करने में, शैक्षणिक शुल्क जमा करने में, तो उनको डायरेक्ट हमारे पास भेजिए, हम उनमें या तो कुछ उनका सोल्यूशन निकालेंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे मतलब आ रहे हैं? वैसे अभी तक हम लोगों के पास जो आया वो 30% में ऐसे विद्यार्थी है जिन लोगों को अभी परीक्षा शुल्क या शैक्षणिक शुल्क जमा करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैडम ने ज्ञापन लेने के बाद बताया था कि इसको मतलब ये नहीं हो पाएगा जैसे उन्होंने बताया, तो इसके लिए आप क्या आगे करेंगे? मैडम ने ऐसे ओपनली आदेश निकालने के लिए मना किया, पर उनका ये कहना है कि जो विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम आई तो डायरेक्ट उन लोगों को हमारे पास भेजिए आप, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आगे क्या रूपरेखा रहेगी अगर अभी मैडम ने आश्वस्त तो किया है कि इसी में भी हम ऐसा आदेश जारी करेंगे। दूसरा ये है कि एक जिन बच्चों को स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है उनके लिए भी विश्वविद्यालय जल्दी आदेश निकालेगा, हम लोग को निकाले, इसीलिए तो परीक्षा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं हम लोग। और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि किसी भी तरह से 31 जुलाई से पहले हमारे सारे रिजल्ट जो फाइनल ईयर्स के हैं, यूजी फाइनल और पीजी फाइनल के रिजल्ट आ जाएंगे।